जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मुख्यमंत्री का आदेश, मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक महापंचायत का किया जाए आयोजन, कब और कहां जानिए इसकी पूरी सटीकता के साथ। अब इसकी दो खबर चल रही हैं, क्या ये खबर फेक है या सही है, पूरी 100% हम आपको देने वाले हैं सही जानकारी। एकमात्र यूट्यूब चैनल है मध्य प्रदेश के अंदर जहां सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा जो अतिथि शिक्षक हैं, बंधु हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए करते हैं चर्चा। देखिए, एक खबर तो ये वाली दिख रही है आपको, ये वाली चल रही है सभी यूट्यूब वाले चैनल वाले भी। दूसरी खबर, अब दोनों की हम पूरी आपको चर्चा करने वाले हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत है। चलिए पहले कर लेते इस वाले को, पहले पढ़ लेते हैं दोनों ही खबर को, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। देखिए, विषय अतिथि शिक्षक महापंचायत दिनांक 2 सितंबर 2023 के संबंध में 29 तारीख की ये न्यूज है। देखो यहाँ कह रहे हैं कि विषय अंतर्गत निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29/8/2023 को आयुक्त महोदय द्वारा आयोजित वही सी में दिए गए निर्देशों के पालन में दिनांक 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षकों की महापंचायत का आयोजन लाल परेड में, कहाँ होने वाला है, लाल परेड में, समय कितने बजे, 12 बजे किया जा रहा, जिसमें आप अपने संकुल अंतर्गत आने वाले ऐसे 2 अतिथि शिक्षकों का चयन करें जिनका परीक्षा परिणाम 100% रहा एवं कार्यशैली उत्तम हो, उनके नाम, मोबाइल नंबर ये आदि संस्था को 30 तारीख को अनिवार्यता इस कार्यालय में भेजें, ये इनका कहना है। तो देखिए, ये हो गई एक खबर। दूसरी खबर, फिर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कौन सी है सही। 31 अगस्त गुरुवार, यहाँ कह रहे हैं कि निवास से चंदनपुरा भोपाल आगमन कहर से होगा, वन महोत्सव अंतर्गत सिटी फॉरेस्ट चंदनपुरा भोपाल। अच्छा, जो हम करने वाले हैं, देखो दोपहर 2 बजे दो खबर चल रही हैं, एक चल रही है तुम्हारी 31 अगस्त की करी जा रही है, ये भी कहाँ, भोपाल करी जा रही है, और एक करी जा रही है जो तुम्हारी, वही मैंने 2 सितंबर की। दोनों की देखो क्या कह रहे हैं, दोनों में क्या है, लाल परेड यहाँ मैदान बताया जा रहा है इतने इतने बजे, और यहाँ समय दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए दोनों न्यूज का अंतर क्या है। देखिए, ये वाली जो न्यूज है ये तुम्हारी सही है 100% सही और सटीक। कैसे, यहाँ देखिए जिला शिक्षा अधिकारी के साइन है बायकादा, यहाँ भी देख लीजिए जिला शिक्षा अधिकारी के क्या है, साइन है। तो इस न्यूज को हम सही मान के आपको जल्दी इसकी पूरी अपडेट आ जाएगी। बाकी के इस न्यूज में भी मुझे थोड़ा सा झोल ये लग रहा है कि भैया जिला शिक्षा अधिकारी की अगर ये न्यूज है तो भैया यहाँ सील क्यों नहीं लगी है, जिला शिक्षा अधिकारी की बायकादा यहाँ सील होती है। अब थोड़ा ही एक आध दिन में आपकी क्लियर हो जाएगी, जो भी न्यूज रहेगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। बाकी के नियम के हिसाब से तो यहाँ सील होना चाहिए थी, बाकी के नहीं है, तो अब देखते हैं आगे कुछ अगर अपडेट हो। दोनों ही न्यूज मुझे थोड़ा अभी संशय लग रहा है, बाकी के जैसे ही न्यूज इस और क्लियर होती है मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट कराऊंगा। तो आपका चैनल है जहां गुमराह नहीं किया जाता है, 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है, आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।